गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हम कर रहे थे चेंज ऑफ इंटरवल वाला है ना, और उसके बाद फिर हाफ रेंज सीरीज। हाफ रेंज सीरीज का भी हमारा काफी हो गया था क्वेश्चंस। अब बस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैं कराना चाहती हूँ, दो तीन और हैं इस पीडीएफ में, वो हम कर लेते हैं। लाइक दिस वन, ऑब्टेन द फोर ईयर एक्सपेंशन ऑफ एक्स साइन एक्स एज अ कोसाइन सीरीज इन 0, π। तो ये पाई वाला है, एल वाला नहीं है, एक तो ये बात। दूसरा, हमें कोसाइन सीरीज बनानी है तो मुझे ए नॉट और ए एन निकालने पड़ेंगे। बी एन वाला 0 हो जाएगा बिकॉज बी एन इज कंटेनिंग साइन वाला टर्म्स। सो वी नीड ए नॉट एंड ए एन फोर ईयर कोफिशियंट एंड द फंक्शन इज एक्स साइन एक्स। तो उसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जब आप ए नॉट निकालोगे और ए एन निकालोगे, और पाई की वजह से हमें साइन एन एक्स कॉस एन एक्स ऐसी टर्म्स यूज करनी है। और क्योंकि यहाँ साइन नहीं करना है, कोसाइन सीरीज है, सो वी विल यूज लाइक दिस कॉस एन एक्स। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना बेटे? यस मैम। ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू प्लस
समेशन ए एन कॉस एन एक्स. अगर आप लोग साथ साथ कर रहे हो तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करा रही हूँ. जो लोग साथ साथ नहीं कर रहे हैं फिर उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती. ज्यादातर क्वेश्चंस इस टॉपिक पे हो गए थे. नाउ आर वी आर जस्ट डूइंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. कॉन्सेप्ट जो है वो हो चुका है. तो ए नॉट निकालते हैं, है ना. ए नॉट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, विच इज 2/π 0 to π एफ एक्स डी एक्स. एफ एक्स क्या है? एक्स साइन एक्स. तो यहाँ पे u into v बहुत आराम से लग जाएगा क्योंकि u मैं x ले लूंगी और उसका डेरिवेटिव 1 लिख दूंगी यहाँ पे, है ना. और v हम साइन x को ले लेंगे, उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x, और माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x. बीच में माइनस साइन आएगा, वो इस वाले u into v वाले में ऑल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस. लिमिट इज फ्रॉम 0 to π. फर्स्ट वी आर गोइंग टू पुट अपर लिमिट, है ना. तो यहाँ डाला पाई, यहाँ पे भी. तो cos pi is, cos pi कितना होता है बोलो भाई? cos pi is -1. हाँ, cos pi is -1. तो उस माइनस की वजह से ये वाला माइनस हट जाएगा, और जब आप x को pi पुट करोगे तो वो pi इस pi को काट देगा, तो बचेगा क्या? खाली 2. वो आ गया मेरे पास. बाकियों को भी पुट करके देख लेते हैं. यहाँ पे जब मैं पाई रखूंगी यहाँ पर, तो साइन पाई इज 0. अब लोअर लिमिट पे आ जाओ. लोअर लिमिट 0 है, एक्स को 0 रखोगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा. यहाँ एक्स 0 रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा. तो ए नॉट इज 2. नाउ ए एन, ए एन इज 2/π 0 to π एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, है ना. तो कोई मुझे बताएगा ये क्या करा है हमने? ये स्टेप कैसे आया? मैम साइन एक्स इनटू कॉस एन एक्स वाला फॉर्मूला नहीं होता, साइन ए इनटू कॉस बी वाला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. टू साइन ए कॉस बी लगाया है ये कह रही हो? यही वाला फॉर्मूला है, है ना. यही तो है. ये जो 2 है इसको अगर मैं अंदर ले जाऊं तो यहाँ 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया है बस, और कुछ नहीं किया. विच इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी डी एक्स. एक्स एज इट इज पड़ा है, ये वाला जो एक्स है ये यहाँ सेम है. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यू इंटू वी लगाकर. यू मैं किसको लूंगी? एक्स को, और एक्स का डेरिवेटिव ये रहा 1, बीच में माइनस साइन. वी कौन है? ये. इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा. फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा. आई होप अब इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को. हमने काफी सारे इंटीग्रेशन अच्छे से खोल खोल के भी मैंने कराए हैं, पूरे पूरी लिमिट्स पुट करके. तो मैं मान के चल रही हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को. ओके, अब ये जो आया है मेरे पास, जो आफ्टर सॉल्विंग ए एन की जो वैल्यू आई है वो एन इक्वल टू 1 के लिए नहीं है, क्योंकि एन को जब मैं 1 रखूंगी यहाँ पे तो ये जो है वो इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना. तो एन इक्वल टू 1, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था आप लोगों को, जहाँ पे एन इक्वल टू 1 के लिए वैलिड ना हो वहाँ हम उसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं. तो मैं एन इक्वल टू 1 के लिए यहाँ से n इक्वल टू 2 ऑनवर्ड्स आप सब निकाल सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6. सो n इक्वल टू 1 यहाँ पे रखें, जो फॉर्मूला है ना ए एन का वहीं पे आपको n को 1 रख देना है. सो दिस इज कॉस एक्स डी एक्स, फिर से वही 2 साइन ए कॉस ए इज साइन 2a डी एक्स. यू इंटू वी लगाएंगे तो फिर से फॉर्मूला खोल कर लिमिट पुट करेंगे, इट विल बी -1/2. बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है. अब सारी वैल्यूज जो आपने निकाली है, ए नॉट ए एन ए 1, मैं यहाँ पुट कर दूंगी सीरीज के अंदर, बस बात खत्म हो गई, है ना. यहाँ सारी पुट कर दी हमने. हाँ बोलो मैम. वो जो सेकंड स्टेप है ए एन वाला, उसके ऊपर एन प्लस 1 के ऊपर बार क्यों लगाई है? बार क्यों लगाई है? वो ब्रैकेट नहीं लगा रहा है ना, तो बस उसी के लिए है, कि और कुछ नहीं है वो.
ओके मैम, ए प्लस बी को इकट्ठा करके लिख दिया यहाँ ए माइनस बी को, सो एक्स साइन टू एक्स. अच्छा हाँ, ये हो गया था माइनस वन बाय टू. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज, यहाँ रख दिया सीरीज के अंदर. अब जो हेंस वाला पार्ट है उसमें देख लेते हैं कि हमें क्या पुट करना चाहिए, है ना. जो सीरीज आई है वो ये आई है, देखो इसमें कॉस टू एक्स, कॉस थ्री एक्स, कॉस फोर एक्स. तो यहाँ पे मैंने पुट किया एक्स को पाई बाय टू. उससे क्या होगा, जब आप एक्स को पाई बाय टू पुट करोगे तो ये एक्स की जगह रखो जहां मेरा कर्सर है वहां पे पाई बाय टू पुट करो, तो कॉस पाई है ना, वो कॉस पाई इज माइनस वन और एक माइनस बाहर भी है, तो जिसकी वजह से ये प्लस हो गया, है ना. और फिर यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही पुट करते जाओगे, तो यू हैव ऑल्टरनेट साइंस. यहाँ पे भी है ना प्लस माइनस एंड वी हैव दिस. हो गया ये. अब ऐसा ही क्वेश्चन देखो नीचे भी है एक और. इस वाले में क्या था, एक ही फंक्शन था एक्स साइन एक्स, है ना. अब नीचे वाले में उसने रेंज में दे दिया है दो अलग अलग पार्ट्स में. फंक्शन जीरो से एल में ही है, जो एक्चुअल रेंज है उसकी हाफ रेंज जो उसने मुझे जीरो से एल दी है वो जीरो से एल ही है, लेकिन उसने उसको ब्रेक करके दिया है. मैंने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कराए हैं आप लोगों को. बस उसमें होता क्या है कि आपको इंटीग्रेशन करते वक्त दो इंटीग्रल करने पड़ते हैं, एक जीरो से फर्स्ट रेंज के अंदर, दूसरा दूसरी रेंज के अंदर. और यहाँ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है, जो मेरी रेंज जो है वो जीरो से एल है, पाई नहीं है. तो जो जो भी फॉर्मूले यूज होंगे मेरे ए नॉट के या ए एन के या बी एन के अकॉर्डिंग टू द सीरीज, उन सभी में एल वाला फॉर्मूला यूज करना है, एक तो ये चीज. दूसरा, अब उसने मुझे कोसाइन सीरीज निकालने को बोला है, तो मैं, मेरा बी एन यहाँ पर जीरो है तो ए नॉट और ए एन निकालेंगे. सीरीज क्या होगी, कोसाइन सीरीज, इट विल बी दिस वन एफ एक्स ए नॉट बाय टू, n goes from 1 to infinity, a n cos n pi x upon l. ये plus लिखा हुआ है उसने, n plus 1 वो नहीं है, it is, it must be n equal to 1. तो निकालते हैं a naught. बस करना क्या है, सब कुछ वही चलेगा, बस फॉर्मूला l वाला लगाना है और इंटीग्रेशन करते वक्त उस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है. क्यों, क्योंकि मेरा एफ एक्स दो पार्ट्स में है, एक बार एफ एक्स के एक्स है, दूसरी बार के टू एल माइनस एक्स है. सो वी हैव दिस ए नॉट का फॉर्मूला टू बाई एल, जीरो से एल होता है वैसे तो, है ना, जीरा जीरो से एल, तो लेकिन मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, तो जीरो से एल बाय टू और एल बाय टू से एल. इसमें फंक्शन के एक्स है, इसमें के इंटू एल माइनस एक्स है. इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, वो हम कर लेंगे, है ना, और लिमिट रख देंगे. तो आफ्टर पुटिंग द लिमिट इट इज के एल अपॉन टू. उसके बाद हम चलते हैं ए एन के पास. ए एन के भी फॉर्मूला लिखेंगे और ध्यान रखेंगे कि यहाँ कॉस एन एक्स नहीं आना है, यहाँ कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल आना है. एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, दूसरा दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जीरो से एल बाय टू, एल बाय टू से एल. पुट करेंगे और फिर सारी अकॉर्डिंग टू द यू इंटू वी फॉर्मूला है वो लगा देंगे इसके अंदर. आसान है, यू इंटू वी यहाँ पे लग सकता है, एक्स का डेरिवेटिव वन, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना. ऐसे ही इसको भी मैं अगर यू ले लूँ एल माइनस एक्स को, तो इसका डेरिवेटिव ये रहा माइनस वन, है ना. तो ऐसे आप कर सकते हो. उसके बाद इसको जीरो से एल बाय टू लिमिट और इसकी एल बाय टू से एल लिमिट. तो मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से पुट करके सॉल्व करके बताए हुए हैं, इसलिए मैं होप करके चल रही हूँ कि ये सब लोग इंटीग्रेशन में वैल्यूज रख के कर सकते हैं. अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कर सकते हो या नहीं? यस मैम, यस मैम. अब मैं मान के चल रही हूँ कि भाई इंटीग्रेशन अब आप कर सकते हो. मैंने हालांकि कई क्वेश्चंस में पूरे पूरे सॉल्व करके भी आपको बताए हैं, बट नाउ यू कैन डू दिस. करने के बाद जो आएगा वो ये आएगा. अगर फिर भी किसी को इंटीग्रेशन में दिक्कत हो ना, तो मुझे
फोन कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? वैसे नहीं आएगी दिक्कत, जो लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं ना, मैं मान नहीं सकती कि उनको कोई दिक्कत आएगी। फिर भी अगर आती है सपोज, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो ये जो आया है हमारे पास ये वाला, इसके अंदर बस अब हम क्या करने वाले हैं, समेशन खोल देंगे, और ये जो वैल्यूज हैं ए नॉट और ए एन की कहाँ रखेंगे, सीरीज में, ये वाली जो ऊपर हमने लिखी थी यहाँ पे, ए नॉट की वैल्यू और यहाँ ए एन की वैल्यू। और जो मुझे चाहिए वो है 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, तो सारी ऑड वाली टर्म्स हैं। हाँ ये रहा, ये आ गई ना मेरी सीरीज, इस पे मैं एन की वैल्यूज रखती जाऊंगी और समेशन खोल लूंगी। तो ये जो स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, वो यहां से आ रहे हैं, देखो ये एन स्क्वायर की वजह से, एन स्क्वायर की वजह से, तो एन स्क्वायर की वजह से ही स्क्वायर्स आ रहे हैं, 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब मैं नहीं बता रही आप लोगों को, आप लोग मुझे बताइएगा करके कि इसमें से जो ऑड वाली टर्म्स हैं वो कहाँ गई, क्योंकि यहाँ तो सारी इवन ही दिखा रहा है। देखो 2π x 6π x 10π x, है ना, इवन वाली कहाँ गई, वो आपको देख के, ऑड वाली कहाँ चली गई, ठीक है? तो आप इसको खोल के करिएगा, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये आपको, ये सब रखने के बाद ये सब आ रहा है आपके पास। कैन यू डू दिस? कर सकते यस हो, मैम। है ना? तो करना, मैं देखना चाहती हूँ कि ये आप लोग कर पाते हो या नहीं। उसके बाद हमें वो वैल्यू पुट करनी होती है एक्स की, अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड वाला आंसर, है ना, जो हेंस वाला पार्ट है, वो वैल्यू पुट करनी होती है, जो आंसर उससे आए हमारा। तो यहाँ हमने एक्स को एल पुट किया है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्व करके, जब आप यहाँ एक्स को एल पुट करोगे तो। करके देखना इसको, कोई डाउट होगा तो पूछना मुझसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है, दोनों में फंक्शन देखो x² x² है, फंक्शन सेम है, रेंज डिफरेंट है। इसमें ये 0 से 2 है, इसमें ये 0 से 1 है, ठीक है? इसमें ये कोसाइन सीरीज बनानी है, इसमें साइन सीरीज बनानी है, फंक्शन लेकिन सेम है यहाँ पे x² x²। अब आप लोग मुझे बताओ ये एल वाला क्वेश्चन है या नहीं है? मैम एल वाला क्वेश्चन है ना, तो एल यस कितना मैम हुआ फर्स्ट वाली रेंज में? मैम 2 होगा। हाँ 2 होगा, केयरफुली, क्योंकि यहाँ हम हाफ रेंज कर रहे हैं। डोंट कंपेयर इट विद 0 से 2 एल, फिर तो एल की वैल्यू 1 आ जाएगी। वो तब था जब मैं पिछला टॉपिक करवा रही थी, हाफ रेंज से पहले वाला। तो बहुत ध्यान रखना है एल की वैल्यू के लिए। यहाँ पे मुझे हाफ रेंज है, तो वो हाफ रेंज मुझे देता है। हाफ रेंज हम खुद से ग्राफ के अंदर बनाते हैं, लेकिन अब हम ग्राफ नहीं बना रहे हैं, उसके बिना कर रहे हैं, बिकॉज वी नो द कॉन्सेप्ट। ग्राफ वाला में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को। तो यहाँ पे बस एल की वैल्यू केयरफुली लेनी है आपको। डोंट डू दिस लाइक दिस इज योर 2L = 2 and L = 1, because here the half range is given. I hope this is clear to everyone. Clear है? यस मैम। ना, ये एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि वहां जब मैं करती थी तो मैं लिखती थी 2L = 3, L = 3/2 करती थी या नहीं, बताओ? वहां पे जब यस मेरी मैम। रेंज थी 0 से 2, मतलब तो मैं टू एल लिखती इज थी इक्वल टू 2L = 2, L = 1, है ना? जब वहां पे जो मेरा इंटरवल था, दैट वाज फ्रॉम सी से C+2L, इट इज फ्रॉम 0 to 2L, बट नाउ हियर इट इज हाफ रेंज। और ऐसा आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में साफ गिवन है हाफ रेंज, है ना? तो ऑब्वियस है कि भाई उसने 0 से L मुझे दिया है, सो सी हियर इट इज रिटन हियर L = 2। और क्योंकि ये L वाला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे n π x/L लिखेंगे, l यहाँ पे 2 है। सो कोसाइन सीरीज निकालनी है तो bn 0 है, मुझे a नॉट और an कैलकुलेट करना है। करते हैं a नॉट,
ए नॉट इज टू अपॉन, यहाँ एल होता है फॉर्मूले में और एल की वैल्यू यहाँ टू है तो उसने टू पुट कर दी। फिर यहाँ जीरो से एल एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन इज वेरी इजी, पुटिंग द लिमिट्स वी हैव 8/3। नाउ ए एल फॉर्मूला टू अपॉन एल, जीरो से एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, एल इज टू। फिर से यहाँ हम यू इंटू वी लगा सकते हैं लेकिन इसने इसको बाय पार्ट से किया है तो मर्जी है आपकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर तो सेम ही आएगा जैसे भी करोगे। वी हैव दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एन। नाउ व्हाट टू डू, पुट द वैल्यूज ऑफ ए नॉट एंड ए एन इन द सीरीज हियर, ए नॉट यहाँ पे ए एन यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जब उसने बोला है हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द सेम फंक्शन, और सेम फंक्शन के लिए हमें सिर्फ एल को देखना है, एल इज वन हियर, एल इज वन हियर, है ना। बस अब सीरीज जो है वो मेरी जो है वो साइन है जिसकी वजह से मुझे बी एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो सीरीज इज बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, एल इज वन हियर, तो यहाँ पे इसने वन पुट कर दिया है। सो बी एन इज टू अपॉन एल, जीरो टू वन एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, करने के बाद आपके पास ये आएगा, ये है ना। अब यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है कि इवन ऑड के लिए क्या क्या बनेगा। कॉस एन पाई हालांकि कॉमन है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, लेकिन इसने कॉमन नहीं लिया है, आपकी मर्जी आप ले भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। एनीवेज जो भी आपका बी एन आया है उसको हम कहाँ पुट करेंगे, हमारी सीरीज के अंदर। एंड वी हैव दिस साइन पाई एक्स साइन टू पाई एक्स साइन थ्री पाई एक्स बिकॉज एल इज वन साइन फोर पाई एक्स एंड सो ऑन। देखो बेटे मैं तो चाहती तो मैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पीडीएफ में ना डालती, और जितना मैंने करा दिया था उतने पे मेरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था, है ना। तो लेकिन मैंने फिर भी ये क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आप लोग खुद अपने हाथों से इनको करके देखो, सॉल्व है सब, आपको दिक्कत भी नहीं है कि अगर आप करते करते कहीं अटक जाते हो तो आपके सामने सॉल्यूशन भी है, लेकिन वो करने से होगा, मतलब ऐसे नहीं करने से नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके अंदर रखे हैं कि भाई अगर आपको दो तीन क्वेश्चंस मैंने करा दिए उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं। प्रैक्टिस भी किस बात की है, देखा जाए तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस है, क्योंकि हमें पता तो चल ही गया है कि भाई कोसाइन सीरीज चाहिए तो ए नॉट और ए एन निकाल लो, फिर बी एन निकाल लो अगर साइन सीरीज चाहिए तो, लिमिट हमें गिवन होती है उसके अंदर, फॉर्मूले हमें अब स्टैंडर्ड ही सारे याद होने चाहिए क्योंकि हम कई कई बार यूज कर चुके हैं, है ना। सो दिस थिंग इज कि मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, लेकिन अब आप लोग करोगे तो बात बनेगी ना। अब नेक्स्ट में देखो, उसने साइन सीरीज के लिए बोला है और लिमिट जो है वो रेंज जो है वो जीरो से एल है तो एल वाला फॉर्मूला लगेगा। सो सीधा मैंने लिख दिया साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, यहाँ पे भी बी एन है ना, बी एन क्योंकि साइन सीरीज चाहिए तो बी एन ही निकलेगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। U into V से भी कर सकते हो, इसने बाय पार्ट्स किया हुआ है, आपकी मर्जी है, इसने बाय पार्ट्स किया है। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव और इस दूसरे वाले का इंटीग्रेशन एंड अगेन बाय पार्ट्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख लेना जिससे भी करना चाहो। मेन बात ये है कि यहाँ पे फिर n के लिए जब आप देखोगे ना ये जीरो है बिकॉज cos n pi इज माइनस वन की पावर n। जब आप n कोई भी n की इवन वैल्यू रखोगे तो माइनस वन और प्लस वन मिलके वो जीरो हो जाएंगे, है ना। तो मेरे पास सिर्फ ऑड वाली टर्म बचनी चाहिए और वो हेंस वाले पार्ट से भी क्लियर है। सी दिस वन, वन थ्री फाइव सेवन, तो यहाँ से भी मुझे पता चल रहा है कि भाई जो भी मेरा बी एन निकलेगा उसमें इवन टर्म्स वाली टर्म जीरो आनी चाहिए। नहीं आ रही तो मतलब या तो मैंने कहीं गड़बड़ की है, मेरे से कहीं गलती हुई है, या क्वेश्चन गलत हो सकता है, या फिर जो मुझे पुट करना होगा उसमें ऐसा करना होगा कि भाई साइन वाली टर्म्स जीरो हो जाएं, जो इवन वाली टर्म्स है वो जीरो हो जाए। तीन चीजें हैं इसके अंदर। सो व्हेन एन इज इवन दिस इज जीरो, व्हेन एन इज ऑड, ऑड रख के देख लो, ये माइनस वन की पावर एन है। अगर मैं ऑड वैल्यू रखूंगी
तो वहां पे वो -1 की पावर 3 रखा सपोज, तो वो प्लस बना देगा उसको, तो 2 बन जाएगा. तो 2 × 4 = 8, ये आ गया 8. बाकी सब कुछ सेम. सो वी पुट द सीरीज एंड समेशन को खोल दिया है हमने, और क्योंकि इवन वाली टर्म 0 है तो मैंने समेशन के अंदर रखी ही नहीं है, सारी ऑड वाली रखी है, पाई एक्स, 3 पाई एक्स, 5 पाई एक्स. अब जो लाना है उसके लिए एक्स को 3 L/2 पुट कर दिया, एंड वी हैव दिस द रिक्वायर्ड थिंग. तो अब हमने इनफ क्वेश्चन आपके पास हैं इन टॉपिक्स के लिए. इस वीकेंड पे इस चीज को अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर आगे दौड़ पीछे छोड़ वाले से कुछ होगा नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. कितने बच्चे हैं जो मुझे कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं साथ साथ आपके, हैं कोई? यस मैम कर रहे हैं। हम अभी तक सारा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत पढ़ा है अभी। ठीक कर बेटे, लेकिन करो, क्योंकि देखो मेरा ना कोई भी टॉपिक पीछे वाले टॉपिक को छोड़ नहीं रहा है. हाँ अंकुर बोलो. रहे हैं। मैम आप पूछ रहे थे ना साथ साथ में, तो उसके लिए हाथ अच्छा चलेगा। अच्छा हाँ. तो बेटे क्या होगा कि देखो, अब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, है ना, वो टॉपिक भी इन्हीं से रिलेटेड है. अभी हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, अभी हम हर टॉपिक से रिलेटेड चल रहे हैं. अगर आप पिछला नहीं करोगे तो अगला कैसे होगा? पहला था हम जब सी से C++ 2π चल रहे थे, फिर मैंने बोला सी से C++ 2L चलेंगे, फिर मैंने बोला आधी रेंज चलेंगे, सी से आपका 0 से L या 0 से π, -π से 0 या -L से 0, जो है वो आप अपनी चॉइस से ले सकते हो, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा जो भी साइन है, कोसाइन सीरीज है. तो हर चीज रिलेटेड थी ना. किसी ने भी किसी को छोड़ा है अब तक? जब से मैं शुरू हुई हूँ तब तक कोई भी टॉपिक किसी टॉपिक को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, वो पीछे वाले टर्म से कनेक्टेड ही है. ऐसे अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो भी कनेक्टेड है तो इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड, बट है. तो जब तक आप पिछला नहीं करोगे तो फिर चीजें आपके पास कट्ठी सी हो जाएंगी, फिर आपको दिक्कत आएगी करने में. तो कोशिश करो इस वीकेंड पे कि आप लोग एक थोड़ा सा 2 घंटे मैथ्स को दो. मैं ये नहीं कह रही आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करो, एटलीस्ट उतना कर लो जितना मेरे नोट्स में है, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट तो पता हो. आप जब चलो आगे कभी पढ़ने बैठो तो आपको पता हो कि ये चीजें मैम ने क्लास में कराई थी. समझ रहे हो? ये सभी यस से बोल मैम। रही हूँ, जो लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं. बाकी जो मेरी क्लास में अभी थोड़ी देर पहले तो 76 स्टूडेंट थे, आई थिंक 72 या 76 ऐसे कुछ देखा था मैंने. अभी कुछ तो छोड़ के जा चुके हैं, 65 बचे हैं. 65 में से मैंने पूछा कौन कौन साथ कर रहा है, तो मुझे 8-10 बच्चों ने बताया. 8-10 ऐसे भी होंगे जो कर रहे होंगे बताना नहीं चाहते, ठीक है, इट्स फाइन. तो लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं तो 40 बच्चों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया. तो या तो वो कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. तो भाई कर लो काम साथ साथ. मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर मैं जब टेस्ट वेस्ट लूंगी तो फिर तुम बोलोगे कि मैम हमारी तैयारी नहीं है, या फिर तुम लोग चीटिंग वीटिंग करके टेस्ट भी कर लेते हो. तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि मैं जब इतने आराम से करा रही हूँ आपको, हम एक एक चीज करते जा रहे हैं, आई एम डूइंग माई बेस्ट, कि जब भी मैं कोई इंटीग्रेशन करती हूँ या जो जो भी चीज पहली बार इंट्रोड्यूस करती हूँ उसका पूरा पूरा सॉल्यूशन मैं इसके अंदर रखती हूँ. एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम रख रहे हैं, पर मेरे करण नाल नहीं होना, थोड़े करण नाल होना है. मैं तो कराई जा रही है जो कराना है. यस मैम। चलो अब चलते हैं एक नया टॉपिक जो कि बहुत आसान है अगर आपने पिछला काम करा है तो, वो है हार्मोनिक एनालिसिस. इसमें बहुत ही आसान है, एक टेबल आपको गिवन होगी, उस टेबल को थोड़ा और बड़ा बनाना है हमने, और कितना बड़ा बनाना है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. अब तक हमने 3 फोरियर कॉफिशियंट्स निकाले, A0, An और Bn, है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसा भी क्वेश्चन होता था. लेकिन हमें एक एफ एक्स गिवन होता था, उस फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम आगे सब बढ़ते जाते थे.
अब वो कह रहा है कि मैं आपको एफ एक्स नहीं दे रहा, मैं एफ एक्स की वैल्यूज दे रहा हूँ आपको, मतलब मैं एक टेबल बना के दूंगा आपको एफ एक्स की वैल्यूज का, लेकिन आपको काम पुराना ही करना है, आपको निकालनी फोरियर सीरीज ही है, लेकिन मैं आपको एफ एक्स ना देकर मैं आपको उसकी वैल्यूज दे रहा हूँ पीरियोडिसिटी के हिसाब से। सपोज मुझे आपको 0 से 2 पाई पीरियड देना है, तो मैं आपको 0 से 2 पाई के बीच की सारी वैल्यूज दूंगा एफ एक्स की, तो आप मुझे फोरियर सीरीज बना के दिखा दो। आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम? यस मैम। आप मुझे 0 से 2 पाई का काम करवाना है, या 0 से 2L का कराना है, या सपोज हाफ रेंज कराना है, तीनों चीजें करूंगी मैं यहाँ पे, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ पिछला कर लो पिछला कर लो। नए टॉपिक में भी तीनों चीजें होंगी, पीरियड इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, इट इज फ्रॉम 0 to 2L, और इट इज फ्रॉम हाफ रेंज सीरीज 0 से L या 0 से π, कुछ भी, लेकिन सभी के लिए आपको वो कह रहा है फोरियर सीरीज निकालनी है आपकी, वो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आप फोरियर कोफिशिएंट्स निकालोगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा एकदम से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। सी दिस वन, वो कह रहा है कि मैं आपको ये एक्स दे रहा हूं और ये एफ एक्स दे रहा हूं, एक्स की वैल्यू 0, 30, 60, 90, 120 up to 330, 360 पे नहीं देगा क्योंकि वहां रिपीट वैल्यू आ जाएगी, पीरियोडिसिटी है ना, इसलिए। तो उस एफ एक्स की, एफ एक्स नहीं दिया उसने, एफ एक्स की सारी वैल्यूज दे दी है, ये वाली, ये सब कुछ, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड द फोरियर सीरीज एज फार एज द सेकेंड हारमोनिक। अब सेकेंड हारमोनिक, फर्स्ट हारमोनिक, थर्ड हारमोनिक क्या है वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। टू रिप्रेजेंट द फंक्शन गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। अगर मोटी मोटा अगर हम समझे तो सेकेंड हारमोनिक से पता क्या मतलब है कि समेशन को 2 तक बोलना है, एन इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 2 तक, बस। आर यू गेटिंग? सेकेंड हारमोनिक का मतलब क्या है कि समेशन को 2 तक खोलना है, एन इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 2। थर्ड हारमोनिक बोलता तो 3 तक, फर्स्ट बोलता या फंडामेंटल बोलता तो मतलब 1, only 1, एन को 1 पुट करके, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं आपको टेबल फॉर्म में दे रहा हूँ एफ एक्स की वैल्यू, आप मुझे फोरियर सीरीज बताओ, तीनों फोरियर कोफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे। अब करना कैसे है वो आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे। हार्मोनिक एनालिसिस यूज कब होती है? So far we have evaluated a naught, a n and b n by evaluating the integrals, है ना, यही तो करते आए हैं। a naught क्या होता है? Integral। a n क्या होता है? Integral। b n भी integral। Whenever it is not easy or possible to evaluate these integrals due to complicated nature of f(x) or भी जरूरी है, or f(x) is given in the tabular form, then we obtain a naught, a n and b n as follows, as follows मतलब वो बताएगा कि कैसे निकालना है हमने। In such cases, the integrals in a naught, a n and b n cannot be evaluated and instead the following forms of a naught, a n and b n are employed। क्या use करेंगे? एक हम concept use करेंगे, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है। सिंस द मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स ओवर द रेंज ए कॉमा बी इज दिस वन, दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स ओवर द रेंज ए कॉमा बी। तो लिमिट a से b एफ एक्स डी एक्स, दिस इज 1/b-a। ये b माइनस a का क्या मतलब है? ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन ओवर द रेंज, वट एवर रेंज इट मे बी, जो भी देगा आपको। इसलिए मैंने तो स्टैंडर्डली a कॉमा b लेके आपको बता दिया है। सो इट इज 1/b-a, b इज द अपर लिमिट, a इज द लोअर लिमिट, एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स। अब a नॉट होता क्या है आप लोग मुझे बताओ? ये होता है ना a नॉट, यू रिमेंबर दैट, अगर 0 से 2 पाई है तो यू रिमेम्बर ना, अभी बताया था। Yes, ma'am। है ना, a नॉट क्या होता है? 1/π 0 से 2π एफ एक्स डी एक्स। मैं अभी पाई वाले की बात कर रही हूँ, फिर आगे l की भी करूंगी, फिर हाफ रेंज की भी करूंगी, अभी हम पाई की बात कर रहे हैं। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है,
जो मेरा ए नॉट का होता है, अब मुझे इसको यूज करना है। तो यहाँ अपर लिमिट कितनी है 2 पाई, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो मतलब मेरा ए कितना है बोलो भाई, 0, और बी कितना है 2 पाई, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2π-0 लिख सकती हूँ सेम को, द सेम कैन बी रिटन एज दिस, सी आई एम राइटिंग दिस वन, इसको देखो डायरेक्ट, क्या ये वाला इंटीग्रेशन ऐसे लिखा जा सकता है बोलो भाई, सेम चीज ही तो है, ये वाला 2 इस 2 से काट दो, कितना बचा 1/π, बस सेम ही चीज तो थी, बस मैंने लिखने का तरीका बदल दिया, बीच में मैंने एक और स्टेप यूज कर लिया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, 2/π, मतलब अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से नीचे डिवाइड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस 2 को जो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया था मैंने उसको बाहर कर दिया, और ये जो 2π था उसमें से मैंने 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 0 सब्ट्रैक्ट करने से, लेकिन ये मेरा फॉर्मूला बन गया, इट इज b माइनस a नाउ 0 से 2π fx dx, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ fx ओवर द रेंज 0, π, आर यू गेटिंग, यस मैम क्लियर है ना। तो मेरा ये बन गया 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ fx इन 0, 2π। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब मैं आपको a नॉट निकालने को बोलूंगी आप लिखोगे ये वाला फॉर्मूला, 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ fx की मीन वैल्यू 0, 2π के बीच में। तो मीन वैल्यू आप कैसे निकालते हो, जितनी भी टर्म्स आपको गिवन है उस fx की, उन सबको एड करके डिवाइडेड बाय द नंबर, जितनी भी नंबर्स वो टर्म्स मुझे गिवन है। सी मैं एक बार आपको क्वेश्चन में दिखाती हूँ, तो एक सेकंड में आपको ये मैम एक चीज पूछनी थी, वो तो होता है ना 1/b-a करके, मैम वो 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 तो मैंने इसलिए किया था ना क्योंकि ये 1/π था ना, तो मैं इसके बिना इसको नीचे खाली 2π नहीं लिख सकता, फॉर्मूला तो ये है ना b-a और फिर 2π-0 हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे b मेरा 2π है ना, तो वही हुआ ना, तो ये 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, हाँ जी ये पूछ रही हो बेटा, हाँ जी एनु देख जिड़ा लिखे है ना ये वाला जिथे मेरा कर्सर है, एनु देख दिख रहे हैं, थोड़े एनु देख, दोनों से कोई फर्क है नहीं मैम, इस 2 को इस 2 से काट दे, ये 0 तो है ही नहीं ना बेटा, ये तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि अब तू खुद ही सोच, अगर 2π में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दोगी कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं, इट इज 2π ओनली, अब उस 2 को 2 से काट दे तभी तो पाई बचेगा। तो ये वाला 2 तो रहेगा ही ना, और ये जो है ये फॉर्मूला बना, ये वाला 1/b-a, बी कितना है 2π, तो 2π और माइनस ए कितना है मेरा 0, तो 2π-0, अगर मैं ये ना भी लिखूं तो भी ये अंडरस्टूड है, बट मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि ये आपको पूरा पूरा दिखे b-a, सो इट इज 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ fx इन 0, 2π। मैं जो मीन वैल्यू की बात कर रही थी ना, वो देखो मैं एक क्वेश्चन में दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे आप a नॉट निकालोगे। देखो fx का आपको गिवन है ना, दिस, ये सारी मैंने वैल्यूज टेबल में लिख ली, बहुत ही आसान है, थोड़ा बस काम ज्यादा करना पड़ता है इसमें ना, सारी वैल्यूज ये रही fx की जो गिवन थी इन, अब मीन वैल्यू के लिए क्या करोगे, इन सारी वैल्यूज को बोलो भाई, इनका टोटल करके डिवाइड कर दे।
हाँ इंद्रजीत बोलो। नहीं मैम वो गलती से हो गया था। ठीक है बेटा। हाँ बेटे तो मैं बता रही थी जो मीन वैल्यू में सबको हमने ऐड किया पूरी एफ एक्स की वैल्यूज को डिवाइडेड बाय द नंबर। नंबर हम देख लेते हैं कितने नंबर्स हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो इट इज डिवाइडेड बाय 12। सी दिस वन दिस इज ए नॉट। ए नॉट क्या था 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। सो ये जो टोटल वैल्यू आई थी एंड डिवाइडेड बाय द नंबर इट इज 12। सो वी हैव 4.203। आर यू गेटिंग दिस। मम्मी क्यों टेबल से हम दोबारा बता दो मैम थोड़ा। हाँ बताती हूँ ये देखो ना। अभी मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ जो मैंने ए में पहले फॉर्मूला दोबारा दिखाती हूँ आप लोगों को ना। ये देखो मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन में बता रही हूँ कि ये जो ए नॉट है ये कैसे निकालोगे। हमने यहां तक समझ में आया था आप लोगों को ये चीज समझ यस में आ मैम गई ना है ना। तो इट इज 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे एफ एक्स की सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय द नंबर। तो मैं क्वेश्चन में वो चीज दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मुझे अभी मैं टेबल पूरी बनाना सिखाऊंगी। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट ए नॉट। सो गिवन इज एक्स देन एफ एक्स। तो एफ एक्स को मैंने लिख लिया सारी वैल्यूज को यहाँ पे जितनी भी हैं 12 वैल्यूज हैं ये उन सबका हमने एडिशन किया ऐड करके इट इज 25.22। बाकी ये सब की टेंशन मत लो ये मैं अभी बताऊंगी और ये बहुत आसान है। जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू ए नॉट कैसे निकाला है। सो 25.22 डिवाइडेड बाय द नंबर 12। ठीक है ये आ गई मेरी ए नॉट की वैल्यू 4.203। आर यू गेटिंग नाउ। यस मैम है ना अभी इतने आगे आगे और बताऊंगी ना तो सारा क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक साथ साथ दिखाऊंगी ना तो ज्यादा सही लगेगा आप लोगों को इंस्टेड की मैं सारा इकट्ठा करके फिर बताऊं आप लोगों को। अब चलते हैं एन के पास जो हमारा नेक्स्ट फोरियर कॉफिशियंट है विच इज 1/π 0 to 2π f(x cos nx)। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम एन का यूज करते हैं इन द रेंज 0.2π में है ना। तो अगेन आई वॉन्ट टू यूज ये वाला फॉर्मूला मीन वैल्यू वाला। दिस इज 1/b-a ए टू बी। इसमें मेरा जो बी है वो 2π है और जो मेरा ए है वो 0 है। सो वी विल राइट 2π-0। तो वो तो मैंने लिख दिया
आई एम राइटिंग दिस 1 अपॉन पाई एज 2 इनटू 1 अपॉन 2 पाई. लिख सकते हैं ना, बताओ लिख सकते हैं ना? यस मैम. है ना, तो इस दो को अब मैं बाहर रख लेती हूँ ये रहा, और ये जो 1 अपॉन 2 पाई है उसको अगर मैं 1 अपॉन 2 पाई माइनस 0 लिख दूं तो कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज सेम नाउ अगेन, है ना, और ये इंटीग्रल एज इट इज. सो दिस इज 2 टाइम्स 2 टाइम्स. तो अंदर कौन सा फॉर्मूला बना? इट इज नाउ मीन वैल्यू ऑफ नॉट एफ एक्स ओनली, इट इज नाउ मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन टू कॉस एंड एक्स. तो इट मीन्स अब जब मैं ए एन निकालूंगी तो मुझे जो गिवन एफ एक्स है उसको कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर उसकी सारी वैल्यूज का एडिशन करके डिवाइडेड बाय द नंबर करना होगा, है ना. और एन मेरा वेरी करेगा क्योंकि एन इज फ्रॉम 1 to infinity. तो एन 1 है तो वी नीड एफ एक्स कॉस एक्स, एन 2 है देन वी नीड एफ एक्स कॉस 2x, इफ एन इज 3 वी नीड एफ एक्स कॉस 3x. तो कितने सारे थोड़ी निकाल के दिखाएंगे, तो वो हमें क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि आपको जो समेशन है वो कहां तक खोल के दिखाना है. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग. तो अब चलते हैं bn के पास. ऑन सिमिलर लाइंस bn में कहां फर्क होता है? एनीवन हु कैन टेल दिस? एम साइन बस यहां साइन nx आ जाएगा, है ना. तो देखो सारा कुछ सेम, इट इज 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ, देखो मैंने यहां फॉर्मूले में भी खाली बस cos nx को sin nx लिख दिया है क्योंकि बाकी सब कुछ तो सेम रहने वाला है. तो जब मैं उसमें टेबल में जाऊंगी ना तो मुझे fx को cos x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, fx को cos 2x से करना पड़ेगा, सिमिलरली fx को sin x, fx को sin 2x, डिपेंडिंग अपॉन कितने समेशन, कितनी n की वैल्यूज के लिए हमें उसको सॉल्व करना है. ओके, नाउ वी नो दैट दिस इज आवर सीरीज, ये हमारी स्टैंडर्डली हमें पता है कि ये हमारी सीरीज होती है ना, a नॉट बाय 2, n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, a n cos nx, b n sin nx. अब अगर मैं n को यहाँ 1 रखूं तो मेरे पास आएगा a1 cos x, b1 sin x. इसको पता है वो क्या बोल रहा है? द टर्म n को 1 रखने से इन फोरियर सीरीज इज कॉल्ड द फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक. नाम दिया है उसने कि अगर आप n को 1 तक सॉल्व करते हो तो दैट इज नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल हार्मोनिक. द टर्म व्हेन n इज 2 इट बिकम्स a2 cos 2x, b2 sin 2x in Fourier series is called the second harmonic and so on. समझ गए बेटे? हाँ ना, कुछ तो बोलो. समझ आया? Yes ma'am. तो मुझे क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा ना अदरवाइज की हाँ तो ठीक था. अभी तक हम जो करते आए ना हमें टेंशन नहीं होती थी कि मुझे n को कहां तक पुट करना है क्योंकि मेरी मर्जी है, मैं समेशन में एन को 4 टर्म तक खोलूं, 5 तक खोलूं, बस ज्यादा से ज्यादा 6 टर्म तक खोल के हम डैश 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 कर देते हैं. लेकिन यहाँ तो भाई टेबल बनानी है, कितनी टेबल बनाएंगे, कितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उसको. तो ज्यादा से ज्यादा वो देखो 2 हार्मोनिक तक पूछता है क्योंकि 3 हार्मोनिक का मतलब है कि टेबल में और इतनी सारी टर्म्स का एड हो जाना. तो इसीलिए मैंने जो क्वेश्चन चूज किया है उसमें वो सेकेंड हार्मोनिक तक करके दिखाने को बोल रहा है. सेकेंड हार्मोनिक में ही आप देखना मेरी टेबल कितनी बड़ी बनी हुई है, है ना. तो आई होप यू आर गेटिंग कि फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब है कि एन को 1 पुट करके जो टर्म्स आएंगी समेशन में उसको वो फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल हार्मोनिक बोल रहा है. अगर आप एन को 2 करते हो पुट देन इट इज सेकेंड हार्मोनिक एंड सो ऑन, मतलब आप जितने मर्जी निकालते रहो. ठीक है, देखो अब मैंने यहाँ लिख दिया है सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन द हार्मोनिक्स फॉर फोरियर सीरीज इन 0,2L. अभी मैं किसका बता रही थी? 0 से 2 पाई. सेम चीज आप 0 से 2L के लिए भी कर सकते हो या फिर हाफ रेंज साइन एंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज. फॉर्मूले मैंने एक बार इकट्ठे करके ना दोबारा लिख दिए आप लोगों की रेफरेंस के लिए. यहाँ पे देखो ए नॉट अभी मैंने बताया इट इज 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ए एन मीन्स 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स कॉस एन एक्स. अगर मैं एन को 1 रखूंगी तो इट बिकम्स, सी दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन को 1 रखोगे तो कितना आएगा ए 1, एन को 2 रखोगे तो ए 2, 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स कॉस एक्स. तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
फिर उसका एडिशन करके मीन वैल्यू निकालने के लिए डिवाइडेड बाय द नंबर. सिमिलरली जब मैं a2 निकालूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गिवन एफ एक्स को कॉस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेबल में, फिर उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय द नंबर. जब मैं bn निकालूंगी तो मुझे साइन वाली टर्म्स चाहिए होंगी, एफ एक्स साइन एक्स, एफ एक्स साइन 2x. आर यू गेटिंग बेटे, समझ आ रहा है सभी को? ये मैं फिर कल बताऊंगी 2l वाला, अभी सारा एकदम से नहीं करते. मैं क्वेश्चन एक बार जरूर बता देती हूँ आप लोगों को. कितने बच्चों ने रीज्वाइन किया देख लो, 46 जीते कर दे मेरे सामने आ ना डंडे नाल कुटा. ओके सो दिस इज एफ एक्स है ना, ये मेरा गिवन एफ एक्स है, ये मैंने खुद से नहीं निकाला. ऐसे ही ये एक्स मेरा गिवन एक्स है. मैं दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन, ये मेरा गिवन एक्स है, ये मेरा गिवन एफ एक्स है, ये मुझे गिवन है. अब मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप ए वन निकालना चाहते हो तो आपको एफ एक्स कॉस एक्स चाहिए होगा, तो कॉस एक्स निकालो. ये रहा कॉस एक्स, कॉस और एक्स मतलब कॉस 0, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 90, कॉस 120, कॉस 150, कॉस 180, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी कॉस की. फिर चाहिए कॉस 2x, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर कॉस लगाते जाओ. तो इसके लिए ना कैलकुलेटर यूज करिएगा आप, थोड़ा जल्दी हो जाएगा आप लोगों का काम. ठीक है, फिर ये कॉस 2x का मतलब कॉस 60, ये कॉस 120, ये 180, ये 240 है ना, ये 300, ये 360, इस तरह से चलते जाएंगे. आर यू गेटिंग, समझ आ रहा है बेटे? कितने गए? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. खाली yes, अंकुर शर्मा थे, जसमीत को समझ आ रहा है, बाकी चंदीप को भी आ रहा है. ठीक है बेटे, ओके. तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे सेकंड हार्मोनिक तक इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है उसने, ये मैंने पहले भी बताया था, एक बार दोबारा दिखा देती हूँ. फाइंड द फोरियर सीरीज एज फार एज द सेकंड हार्मोनिक टू रिप्रेजेंट द फंक्शन गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल. तो सेकंड हार्मोनिक का मतलब है मुझे ए वन कॉस एक्स और ए वन ए टू कॉस टू एक्स और बी वन साइन एक्स बी टू साइन टू एक्स निकालने पड़ेंगे. मैं एक बार आपको नीचे दिखाती हूँ. ये देखो मैंने ए वन निकाला है, मैंने ए टू निकाला है, मैंने बी वन भी निकाला है और मैंने बी टू भी निकाला है. ठीक है, ये सब निकलेंगे, बस 2 तक ये चाहिए ना हमें सेकेंड हार्मोनिक, मतलब यहां तक. पहले समेशन में एन को 1 रखेंगे तो ए वन कॉस एक्स और 2 रखेंगे तो ए टू कॉस टू एक्स, फिर 1 रखा तो बी वन साइन एक्स, 2 रखा तो बी टू साइन टू एक्स. तो मुझे बेसिकली कितने फोरियर कोफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे देखा जाए तो ए नॉट ए वन बी वन ए टू और बी टू है ना. तो मेरी टेबल देखो कितनी बड़ी बन रही है सेकंड हार्मोनिक में ही, क्योंकि खाली ये करने से काम नहीं चलेगा ना, फिर एफ एक्स से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ रहा है. देखो आपने निकाला साइन एक्स, फिर मैंने एफ एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने निकाला साइन टू एक्स, फिर एफ एक्स को साइन टू एक्स से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे भी एफ एक्स मल्टीप्लाइड विद कॉस एक्स, एफ एक्स मल्टीप्लाइड विद कॉस टू एक्स. क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये तो मेरे ए एन और बी एन में होता है. मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को फिर से एक बार. हेरा एफ एक्स को कॉस एन एक्स से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, तभी तो मेरा ए एन आएगा. तो जो भी आप कॉस एक्स, कॉस टू एक्स या कॉस थ्री एक्स निकालोगे, दैट इज मल्टीप्लाइड विद एफ एक्स जब आप ए एन निकाल रहे हो, और यही चीज जब आप बी एन निकाल रहे हो तो एफ एक्स मल्टीप्लाइड विद साइन एन एक्स, तो साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स एंड सो ऑन. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ना कल दोबारा कराऊंगी आप लोगों को, लेकिन मैं पीडीएफ जरूर भेजूंगी. अगर आप मेरे कराने से पहले कर लेते हो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि बच्चों ने खुद से भी कोशिश की है करने की. ठीक है, तो मैं कल इसको इस क्वेश्चन को वैसे तो मैं कैलकुलेटर चाहिए, वैसे तो आसान लगा, वैल्यूज नहीं है बस, जितना आपको फोल्ड्स, जितना फोल्ड्स के अकॉर्डिंग खोलोगे, जितना आपको हार्मोनिक के लिए बोला है, मल्टीप्लाई करो और फिर वैल्यूज डाल दो. हाँ, बस वैल्यू डाल के ऐड करके मीन वैल्यू निकालते जाओ, है ना. यस यू आर राइट. ओके चलो कल करते हैं फिर इसको कंप्लीट, है ना. थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे मैम.
थैंक यू मैम. थैंक यू बेटे, सेम.